नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए आई है जिसके बारे में ये वीडियो आपको दी जा रही है। वीडियो में ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, जितना समय लिया जाएगा उतने समय में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग उसकी नोटिस पर बात करने वाले हैं कि क्या है नोटिस। देखिए, अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और उसके बाद इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि मैं ज्यादातर ट्वीट्स पे भरोसा नहीं करता हूं, बिना नोटिस के बात भरोसे वाली नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा था जो उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है बेसिक एजुकेशन का, वहां पर कई बार ट्वीट करके और उसको फिर रिवर्स डिलीट भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए इन सब चीजों से अब थोड़ा सा विश्वास उठ गया है। जब तक नोटिस ना आ जाए तब तक हम लोग एकदम क्लियर बात करने से थोड़ा सा बचते हैं, रुकते हैं। तो आज की नोटिस में आपको दिखाते हैं, ये है आपका जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसे नोटिस को अभी जो है पब्लिश किया गया है। नोटिस क्या है ये देखिए, 10/7/10 जुलाई की नोटिस है, और नोटिस में आपको ये दिया गया है। यहां पर मैं नोटिस आपको दिखाता हूं। देखिए, अभी हाल ही में आप जितने भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सारे लोग परेशान थे इस बात को लेकर के, क्योंकि फॉर्म जो है अप्लाई नहीं हो रहा था। पिछले लगभग 3 दिन तक फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है ना। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी परीक्षा की डेट पर भी बात करने वाले हैं, और परीक्षा की डेट भी घोषित हो चुकी है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहां पर है कि जो आवश्यक सूचना जारी की गई है क्या है कि अभी तक 12 जुलाई जो है लास्ट डेट थी। ठीक है, आप लोग अपडेट पा चुके होंगे हो सकता है, लेकिन एक बार देखिए ध्यान से, 15 जुलाई अब इसको कर दिया गया है। मतलब 12 के बाद आपका कितना दिन बढ़ गया है, आपका 13 बढ़ा, 14 बढ़ा और 15 बढ़ा, मतलब 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। संभावना ये जताई जा रही थी कि डेट जो एग्जाम की है वो इसको देखते हुए बढ़ाई जाएगी, है ना, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए कोई नोटिस जो है जारी नहीं किया गया है। जब तक ऑफिशियल नोटिस बढ़ाने की, एग्जाम डेट बढ़ाने की नहीं आ जाए तब तक हम पुराना ही मानेंगे, और पुराना कौन सा है तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पुरानी नोटिस कौन सी है। तो अगर हम इसी ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी, आप जा करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग देखें तो यहां पर एक नोटिस ये आई है 22 तारीख, ठीक है। तो इस नोटिस में क्या दिया गया है इसको भी एक बार हम लोग देखते हैं कि जो है इसके अंतर्गत जो लिखित परीक्षा होनी है, तो लिखित परीक्षा का मतलब कौन सा होता है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। डेट जो दी गई है ये 24/8 मतलब 24 अगस्त, 24 अगस्त को कौन सा पेपर होगा, जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है, मतलब कि जो आपका अर्हता पेपर है, या इसे ही आप क्या कह सकते हैं, इसे ही आप कह सकते हैं जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, ठीक है, जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है वो इसी दिन होगा। और किसका किसका होगा, तो 1 से 5 वाला भी होगा, 9th 10th का भी होगा और 12th वाला भी होगा। ये जो है तीनों पेपर जो सबके लिए कॉमन है वो 24 को होंगे, बाकी 25 अगस्त को जो सोशल स्टडी वाला पेपर है, ठीक है, वो होगा, ये 1 से 5 का है। 26 तारीख को है 9th और 10th का, मतलब कि टीजीटी का, और 27 को कौन सा है, पीजीटी का है। तो ये आपको 3 डेट दी गई है, लेकिन एक चीज और आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है संभावित तिथि, ठीक है। तो परीक्षा को लेके यही पुराना वाला नोटिस अभी भी है, लेकिन इसमें ये डेट जो दी गई संभावित लिखा हुआ है, और बीपीएससी का शुरू से जब से ये जो है फॉर्म आया है तब से चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है। कभी सिलेबस में चेंज हुआ, कभी पैटर्न में चेंज हुआ, कभी जो है इसमें फॉर्म भरने में चेंज हुआ, कभी सीटेट की अर्हता में चेंज हुआ। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो ये भी ये नहीं कहा जा सकता कि अब सब कुछ हो ही गया है ना। तो अभी फिलहाल के लिए यही डेट आपकी है, यदि बदलती है तो उसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपकी बीपीएससी की जो क्लासेज हैं, अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप उसे बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स अपना बनाते रहिए। आप चाहे बिहार परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सुपरटेट की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।